मैं अपने उन सभी सहकारियों का जो सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को कामयाब करने के लिए संकल्पवान होकर खुद को तैयार कर रहे हैं, उन सभी को मैं यथोचित उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, जय भीम करता हूं। जैसा कि सहकारियों हम सब लोगों को मालूम है कि हम लोग 1 मार्च से लगातार बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर एक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या उसको सीखने का काम कर रहे हैं। तो उसमें आज का जो टॉपिक है, उससे पहले हम जिन जिन दो विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, उनमें ये जाति शास्त्र, कल्चर ऑफ कास्ट या कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी, उसका हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया 5 दिन तक। और उसके बाद अभी जो कल हमारा सब्जेक्ट समाप्त हुआ है, उस पर भी बहुत डीप हम लोगों ने अध्ययन किया, बहुत उसको पढ़ा सीखा। शिक्षा शास्त्र को, बहुजन मूवमेंट से जो जुड़ा हुआ जो हमारा शैक्षिक दर्शन है, तो उसको पढ़ने के बाद अब ये जो थिंकिंग स्किल है, तो ये या जिसको विचार कौशल प्रवीणता, विचार प्रवीणता, ये कुछ थोड़ा सा नया सा मालूम देता है या हमारा चिरपरिचित शब्दावली का विषय नहीं है। लेकिन ये सही है कि ये जो थिंकिंग स्किल है, तो ये थिंकिंग स्किल जाति शास्त्र को पढ़ने के बाद और शैक्षिक दर्शन को पढ़ने के बाद ही हमारे दिमाग में पैदा होती है, ये विचार कौशल। वैसे भी ये कहा है कि थिंकिंग स्किल का रोल क्या है जिंदगी में, तो ये प्रोफेसर जॉन डेवे का कथन है कि थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। और इसमें लाइफ स्किल ही नहीं, बल्कि ये भी कहा है इट इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। ये थिंकिंग स्किल खुद में एक ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर इसे और आगे हम देखें, तो ये थिंकिंग स्किल इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ। अब आप समझ रहे होंगे कि ये थिंकिंग स्किल जो जिसको अभी तक हमने ज्यादा जानने समझने की या उससे दो चार होने की कोशिश नहीं की, तो उसको कहते हैं कि थिंकिंग स्किल इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ। इससे ज्यादा बलशाली कोई और दूसरी बल नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर इसको नहीं जानता आदमी, थिंकिंग को मींस के अनथिंकिंग पीपल, जो थिंकिंग पीपल नहीं है, अनथिंकिंग पीपल है, मे बी गुड स्लेव्स बट नॉट गुड रूलर्स। अगर वो अनथिंकिंग है तो दे मे बी गुड स्लेव्स बट नॉट गुड रूलर्स। इसीलिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि मोर देन इम्पोर्टेंस है कि टू एजुकेट इनकी आवाज कट रही है, मुझे जी सर, ऐसा नेटवर्क का इश्यू होगा।
मुझे भी अनम्यूट कीजिए। ओके जीवंत आनंद जी कंटिन्यू योर लेक्चर। जीवंत राजाराम आनंद जी कंटिन्यू लेक्चर। सर वो लीव हुए हैं। नेट डिस्टर्ब हुआ। हाँ वो अभी फिर से रिज्वाइन करेंगे सर। अच्छा अच्छा तो मैं सहकारियों का मैंने अभिवादन किया। शायद मेरी बात अभिवादन तक तो पहुंची थी। आ रही है सर। आप शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आज का जो हमारा विषय है उस पर चर्चा करने से पहले मैं अपने उन सभी सम्मानित सहकारियों का जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को कामयाब करने के लिए अपने आप को संकल्प बांध किया है और अपने आप को तैयार करने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हैं, मैं सभी का उचित अभिवादन करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं और सभी को जय भीम अपनी तरफ से उनको प्रेषित करता हूं। जय भीम सर। सहकारी हो, अभी हम लोगों ने इससे पूर्व जो इन दो विषयों के ऊपर पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, उनमें जाति शास्त्र, मैं शास्त्र इसलिए कह रहा हूं कि शास्त्रों से हम जल्दी समझ जाते हैं, शास्त्र बहुत बड़ी चीज होती है, और दूसरा हमने एजुकेशन फिलॉसफी और बहुजन मूवमेंट यानी जो बहुजनों का जो आंदोलन है, बहुजनों का जो सरोकार है, उसके ऊपर शिक्षा का दर्शन क्या है, इसके ऊपर मेरे से पूर्व जिन दो विद्वान वक्ताओं ने अपनी बातें रखी उनमें धीमंत अमर सिंह चौहान जिन्होंने जाति शास्त्र के ऊपर हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हम लोगों को जानकारी दी, और दूसरा जो एजुकेशन फिलोसफी। आवाज गई नहीं? आ रही है सर। राजाराम जी आपकी आवाज गई? आ रही है सर। आ रही है। चल ले, कंटिन्यू सर। तो उसके ऊपर धीमंत नार सिंह जी उन्होंने बहुत बारीकी से और बहुत ब्रेकअप के साथ बहुत उसको खंड खंड करके हम लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन साथियों, ये दोनों जो विषय थे हमारे, उनके बारे में हम लोग नाम से बहुत कुछ परिचित हो जाते हैं कि जाति भी हम लोग कॉमन हमारे लिए है, शिक्षा भी हमारे लिए, भले ही दर्शन ना हो लेकिन शिक्षा नाम से हम एक तरीके से एक कॉमन बात है। लेकिन ये जो थिंकिंग स्किल है, विचार प्रवीणता, विचार कौशल, ये चीज थोड़ी सी कुछ साथियों के हो सकता है के लिए ऐसी लगे कि ये विचार कौशल क्या है, थिंकिंग स्किल क्या है। तो ये जो थिंकिंग स्किल है, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जाति शास्त्र और शैक्षिक दर्शन है, तो तब तक उसका कोई मतलब नहीं अगर हमारे अंदर ये थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं होती, थिंकिंग स्किल की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि इस थिंकिंग स्किल के बारे में जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें हालांकि इसका जो ब्रेकअप है
तो उसमें मैं ओरिजिन ऑफ सिलेवरी कल्चर, मीनिंग ऑफ जयभीम धीमंत एंड अनवीक्ष की, और अनवीक्ष की लाइट ऑफ ऑल साइंसेस फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, इसके ऊपर मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन मैं ये जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये थिंकिंग स्किल का लाइफ में क्या सरोकार है। तो इसके बारे में प्रोफेसर जॉन डेवे ही कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, और साथ साथ वो कहते हैं इट इज एन अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स, इट इज अल्टीमेट एंड इट इज एन अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स, यानी ये स्वयं में एक मानव संसाधन है थिंकिंग स्किल। वो कहते हैं कि थिंकिंग स्किल इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ। जिस थिंकिंग स्किल को अभी हम लोग अच्छी तरीके से दो चार नहीं हुए हैं, तो इसके बारे में कितनी बड़ी बात कही गई है कि थिंकिंग स्किल इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ। और इसके आगे ये भी बताया गया है लाइफ में कि लाइफ में इसका रोल क्या है थिंकिंग स्किल का। तो आगे ये भी कहा गया है कि अनथिंकिंग पीपल मे बी गुड स्लेव्स बट नॉट गुड रूलर्स, बट नॉट गुड रूलर्स। अब हम ये समझ सकते हैं कि थिंकिंग का व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा रोल है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका है। इसीलिए कहा गया है कि टू एजुकेट पीपल इन थिंकिंग स्किल मींस वी आर डीलिंग विद द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ, वी आर डीलिंग विद द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ, यानी जो दुनिया में कोई अगर शक्तिशाली चीज है तो वो थिंकिंग है। और इसीलिए कहा गया है कि द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर फ्यूचर, क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर फ्यूचर। अब हम कह सकते हैं कि ये थिंकिंग का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि ये जो डिनाइल ऑफ एजुकेशन के कारण हमारा कितना अनर्थ हुआ, और उसके कारण ये नीड ऑफ थिंकिंग स्किल की उत्पत्ति हुई, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जब हम जाति शास्त्र को पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने ये जाना कि जो मौर्य शासकों में अंतिम बौद्ध मौर्य शासक बृहद्रथ जो था, तो उसकी उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग द्वारा धोखे से हत्या कर दी। जब धोखे से हत्या कर दी गई और एक बृहद साम्राज्य का वो शासक बन गया, तो उसने वे तमाम कार्य प्रतिपादित किए जो मौर्य शासकों के कार्यों के बिल्कुल उलट थे। जो मौर्य शासक कर रहे थे जिन कार्यों को, उसके बिल्कुल विपरीत कार्य, उलट कार्य पुष्यमित्र सुंग के द्वारा शुरू किए गए। पुष्यमित्र सुंग का परिचय हम में से बहुत से साथी जानते हैं, अगर न जानते हो तो पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ का साला ही था, लेकिन उसका डीएनए अलग था और बृहद्रथ का डीएनए अलग था। वो जैसे पुष्यमित्र सुंग का जो सोच था, तो वो किसी उससे जो 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 उसकी जो सोच थी, तो वो एक तरीके से वो बहुत ही घृणास्पद थी। और यही कारण था कि जब वो शासक बन गया तो उसने जो मौर्य शासन काल की जो विशेषताएं थी, जैसे विषमता वैमनस्यता का अंत हो गया था, तो उसने इसका बीज बो दिया, विषमता वैमनस्यता को पुनर्स्थापित किया, और ऐसे ही सामाजिक समवाय और सहकारिता की जो नीतियां थी उनको भी
समाप्त करके चातुर्वर्ण जाति उपजाति के कल्चर को बहुत कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे उसने जो मनुस्मृति नाम का जो अमानवीय कानून दंड संहिता बनाई, जैसे पेनल कोड होता है, सीआरपीसी होती है, ऐसी ये मैं तो यही कहूंगा कि ये जो दंड संहिता बनी तो उसकी रचना के आधार पर उसने क्या काम किया। उसने एक तो जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग थे, या कह सकते हैं कि 2-4% लोगों को छोड़ करके बाकी सारे लोगों के लिए उन्होंने आत्मरक्षा का अधिकार समाप्त किया, शिक्षा का अधिकार समाप्त किया, और संपत्ति के अधिकार से भी पूर्णतः उनको वंचित कर दिया गया। और ये वैसे उनका असली निशाना तो शिक्षा के अधिकार को ही डिनाइल करना था, क्योंकि इसके बगैर वो इग्नोरेंट नहीं बन सकते थे, जो मैंने जैसा बताया कि अनथिंकिंग पीपल में भी ये गुड स्लेव। तो लेकिन आत्मरक्षा का जो राइट ऑफ आर्म्स था, तो वो इसलिए उसको डर था कि ये बलशाली लोग हैं, कहीं हमारे ये सारी पॉलिसियों को धता पता करके हमें समाप्त न कर दें। तो इसलिए उन्होंने मनुस्मृति के माध्यम से ये जो आत्मरक्षा का अधिकार था, राइट टू आर्म्स, उसको पहले लागू किया। और ये डिनाइल ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, और ये सब करने के बाद उनको अगर उन्होंने कोई परमिशन दी तो मैं समझता हूँ कि राइट टू आर्म्स की जगह पर राइट टू परमिशन टू फियर्स, परमिशन टू इग्नोरेंस और परमिशन टू डील विद बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, ये मतलब उनको परमिशन थी कि जितनी आप ढोंग पाखंड में बुरी आदतों में जितने फंस सकते हो, इसकी तो आपको हम परमिशन दे रहे हैं, आपको फियर भयभीत रहने की भी परमिशन दे रहे हैं, आपको हम इग्नोरेंट अज्ञानी बने रहने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको परमिशन नहीं है, कोई आपको अधिकार नहीं है, तो आत्मरक्षा का नहीं है, शिक्षा का नहीं है, संपत्ति का नहीं है। तो मैं ये बात अब इस विद्या के बलात् निषेध के कारण क्या हुआ कि उनके जो सोचने की कौशल था और जो भाव शुद्धि थी उनके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको नष्ट करने का कुचक्र उन्होंने शुरू कर दिया। और ये जो इग्नोरेंस का बलात् इग्नोरेंस का जो इस बात को हम इससे समझ सकते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर जॉन डेवे कहते हैं कि एजुकेशन इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट्स लाइफ इटसेल्फ। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये जो उन्होंने इसका डिनाइल किया, इसको जो फोर्स्ड इग्नोरेंस के लिए हमें बाध्य किया समाज को, तो उसका जो इतना महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं जॉन डेवे के अनुसार के इट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट इट इज लाइफ इटसेल्फ। तो इस एजुकेशन को जिसको उन्होंने हमसे डिनाइल किया, उसके कारण इस विद्या शास्त्र को छीन लेने से, बलात् छीन लेने से जो मनुवादी सिस्टम था उसने अधिकांश जनता को गर्त में ढकेल दिया, और वो लोग इस बात में कामयाब हो गए कायमे टू कन्वर्ट द मेजोरिटी थिंकिंग पीपल इनटू अनथिंकिंग मेजोरिटी पीपल, काय के लिए टू इनिशिएट एंड परपेचुएट स्लेवरी कल्चर। तो ये बात मैंने मतलब शिक्षा इसके जाति के गर्भ में छिपी हुई है कि जाति का जब तांडव शुरू हुआ बृहदत्त की हत्या के बाद, तो ये जो डिनाइल हुआ एजुकेशन का, इसीलिए इसके संबंध में ये अनेक हमारे विद्वान विज्ञानी मानव विज्ञानियों ने कहा है
जैसे अपने एच ड्रूमोंड हैं, वो कहते हैं कि ही दैट डेयर नॉट रीजन इज ए स्लेव, यानी हमको तर्क करने का साहस ही समाप्त हो गया। ऐसे एक और ये जो समाज विज्ञानी है फ्रेडरिक डॉगलस, उनका तो साफ साफ कहना है कि टू एजुकेट ए मैन इज टू मेक हिम अनफिट टू बी ए स्लेव, यानी जो शिक्षा से व्यक्ति को हम गुलामी से मुक्त रख सकते हैं, गुलामी एजुकेट करने का मतलब किसी व्यक्ति को गुलामी से निकाल लेना। तो ये काम उन्होंने इसीलिए इस एजुकेशन को एजुकेट करने के सिस्टम को हमसे छीना गया, और ये भी कहा गया है कि मेन आर बोर्न इग्नोरेंट नॉट स्टूपिड दे आर मेड स्टूपिड बाय अनथिंकिंगनेस। तो अनथिंकिंगनेस जो आई उसके कारण हमारे लोग स्टूपिडिटी के शिकार हुए, और हम कह सकते हैं कि डिनाइल ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड ए नीड ऑफ थिंकिंग स्किल। डिनाइल ऑफ एजुकेशन क्रिएट, क्योंकि जब ये डिनाइल ऑफ एजुकेशन हुआ और सारे लोग अनथिंकिंगनेस में चले गए, तो फिर ये थिंकिंगनेस की, क्योंकि हम जानते हैं ये कहा गया है कि अगर हम थिंकिंगनेस को, इफ वी डू नॉट डू अवर ओन थिंकिंग Someone else will do it for you. Someone else will do it for us. और ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई दूसरा है, if any other will do it, he will think his own interest first. तो इसलिए ये thinking की बात जो अगर हम कहें, तो ये आज हमारे लिए जो इसकी need है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी आगे डिटेल में। हेलो, हाँ, इसको डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके सामने ये जो मीनिंग है जय भीम का, धीमंत का और अनवीक्षिकी का, इसको थोड़ा शॉर्ट में रखना चाहूंगा। सहकारियों, जैसा कि जय भीम के बारे में हम लोग अमूमन सभी लोग परिचित हैं, और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के तो सारे लोग इससे अछूते नहीं है कोई भी, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, इवन छोटे छोटे बच्चे भी, 5 साल के बच्चे भी जानते हैं कि जय भीम का मतलब क्या है। तो मैं इतना कहूंगा कि जय भीम का उच्चारण करने का श्रेय बाबू हरदास लक्ष्मण वाले जी को जाता है, उन्हीं को दिया जाता है। ऐसा पीटी रामटे के ने अपना जो शोध पत्र लिखा है उसमें वो कहते हैं कि एक बार एक मुस्लिम मौलवी ने बाबू हरदास लक्ष्मण वाले को सलाम अलैकुम का अर्थ समझाया, और इस प्रकार उन्होंने अपना जो उनका संगठन था एक भीम विजय संघ के नाम से, तो उसके कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में बल भीम बोलना शुरू किया उन्होंने, और बाद में ये शब्द उनको बलभीम ज्यादा उपयुक्त नहीं लगा, और उसकी जगह पर फिर जय भीम का चयन किया गया। इस तरह अपने समारोहों के टाइम में जो ध्वजारोहण होता था, या सलामी देते समय, या परस्पर मुलाकात के समय जो नमस्कार या कुछ और शब्द बोलने की परंपरा थी, उसकी जगह पर जय भीम कहना चाहिए, और इसको स्वीकार करने वाले को बलभीम का जवाब देकर के उच्चारण करने का निर्णय हुआ। तो इस तरीके से ये जो जय भीम की जो पृष्ठभूमि है और इसका जो श्रेय है, तो हमारे महापुरुष श्रीदेव बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले या वाले ऐसे कुछ करके उनका टाइटल आवड़े है, हरदास आवड़े आवड़े, अच्छा, तो उनको यही जाता है। हालांकि आगे एक JNU के दिल्ली के प्रोफेसर विवेक कुमार ने भी जय भीम शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक वर्णन किया है, जिस पर समाज में अधिकतर विद्वानों में सहमति नहीं है। अब मैं MKSOT की यहाँ भूमिका जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि MKSOT एक साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड वाला थिंकिंग स्कूल है,
यहाँ पर जय भीम से अभिप्राय महानता मानवता की कल्पना से है। एमके एसओटी जय भीम को महानता मानवता की कल्पना मानता है, उसकी कल्पना महानता मानवता से जो किसी भी व्यक्ति विशेष में निहित होती है। तो ऐसे में चूंकि यह शब्द समानता के लिए, सम्मान के लिए, महानता और इंसानियत की का बखान करता है, इसलिए इस संबोधन के अंतर्गत जय भीम का भावार्थ, जिस पर एमकेएसओटी महानायक काशीराम जी ऑफ स्कूल ऑफ थिंकिंग की पूरी सहमति है, और वो इसीलिए इसका उच्चारण इस आधार पर करते हैं कि आप में निहित महानता एवं मानवता का मैं आदर करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम मींस आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। तो ये जय भीम का स्कोप और मीनिंग मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे ही एक शब्द धीमंत महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के वातावरण में बहुत रहता है, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। हमारे समाज या देश में धनबल का और बाहुबल का ये बुरी तरह हावी है। इसका बहुत प्रभाव रहा है, पहले से भी बहुत प्रभावी रहा है ये धनबल बाहुबल, मनी पावर, मसल पावर। अब ऐसे में व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए श्रीमान और श्रीमती शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो धनबल बाहुबल और धनबल के वातावरण में व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत पहले से ये चला आ रहा है, श्रीमान और श्रीमती शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जो उसकी संपन्नता या सामर्थ्यवान होने का प्रदर्शन करता है। इन शब्दों में पुरुष और महिला होने का भेद बनाकर रखा गया है, भले ही संपन्नता के और सामर्थ्य के हिसाब से स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हों, लेकिन फिर भी उसके लिए श्रीमान और उसके लिए श्रीमती इस तरह का प्रयोग मतलब किया गया है। जब ये श्रीमान शब्द राजा महाराजाओं अथवा और ज्यादा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका प्रयोग बहुजन में होता है, बहुजन में करते हैं और किया जाता है लोगों के द्वारा, हम लोग तो नहीं करते, तो तब इसका श्रीमान की जगह पर श्रीमंत में बदल जाता है, श्रीमंत। अब मैं बात अपने धीमंत शब्द की व्याख्या करने के लिए, तो धी और सुधी का अर्थ है विचार करने वाला या विवेकशील, तथा अच्छी तरह सोच विचार को भाव सुधी कहा जाता है, अच्छी तरह सोच विचार करने को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसी आधार पर सुधी व्यक्ति जो सोच विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको धीमंत कहा जाता है, इसी आधार पर। और एमकेएसओटी द्वारा महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के द्वारा अपने समस्त ट्रेनर्स को इसी शब्द से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी धीमंत शब्द से आइडेंटिटी, जैसे मैंने अभी अपने पूर्व वक्ताओं के नाम के साथ धीमंत शब्द का प्रयोग किया था, तो आप समझ गए होंगे कि धीमंत बहुत ही 21वीं शताब्दी में बहुत ही प्रभावशाली शब्द है, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि आइडेंटिफाई करने के लिए किसी को उसकी योग्यता से जुड़ा हुआ शब्द है। अब इसमें मैं आपके सामने आणविकी की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है काफी पुराना और ऑथेंटिक माना जाता है, इसमें 16 अध्याय हैं और काफी मतलब इसकी लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो विद्याएं हैं वो चार प्रकार की बताई गई हैं। उसमें पहली
ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भाग एक अध्याय 12 में और इसका प्रकरण भी ये क्या क्या है उसमें ये आन्वीक्ष की विद्या बताई गई है, एक त्रयी विद्या बताई गई है, एक वार्ता बताई गई है, एक दंड नीति बताई गई है। ये चार तरह की विद्याओं का वर्णन कौटिल्य ने किया है। लेकिन जो मनु के मानव संप्रदाय के लोग हैं वो इसको आन्वीक्षिकी को नहीं मानते, वो कहते हैं कि आन्वीक्षिकी तो ब्राह्मणों की अपनी चीज है, खाली त्रयी वार्ता और दंड नीति तीन ही विद्याएं हैं वो जो मनु के संप्रदाय मानव संप्रदाय। दूसरे जो बृहस्पति संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये त्रयी तो ब्राह्मणों के लिए है जो अपना पूजा पाठ में कर्मकांड में रहते हैं, बाकी वार्ता और दंड नीति दो ही विद्या है, वो बृहस्पति संप्रदाय के लोग दो ही मानते हैं। और ये शुक्राचार्य संप्रदाय जैसा बताया है उसमें अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो उसमें वो उसके विद्वान केवल एक ही विद्या मानते हैं दंड नीति, वो कहते हैं बाकी दूसरी सारी जो तीनों विद्याएं हैं वो इसी दंड नीति में ही निहित है, इसी के अंदर सम्मिलित हैं। अब कौटिल्य के अनुसार जो विद्याएं चार प्रकार की हैं इन सभी की यथार्थता व धर्म और कर्म में बताते हैं। कौटिल्य का कहना है कि भाई ये चारों विद्याएं इनकी अपनी धर्म कर्म की जो वैल्यू है वो अलग है और आन्वीक्ष की विद्या सामान्य जनों का, वो कहता है अर्थशास्त्र में कि आन्वीक्ष की विद्या सामान्य जनों का उपकार करती है या जीवन को विचार कौशल का सामर्थ्य प्रदान करती है। यानी आन्वीक्ष की विद्या की तो वो भी कहते हैं कौटिल्य कि ये सामान्य जन जो 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 कॉमन पीपल हैं तो उनका उपकार करती है, क्योंकि अगर उनका उपकार करना है तो उनके लिए आन्वीक्ष की विद्या बहुत आवश्यक है, बहुत हितकारी है, और क्योंकि वो उसके जीवन में विचार कौशल का सामर्थ्य प्रदान करती है। वो कहते हैं आगे के दुखों और व्यसनों से इसे उसे मुक्ति दिलाती है, मनुष्य को वो उन्नति का मार्ग दिखाते हुए बुद्धि की वृद्धि करती है, उसके उसके उसकी योग्यता में उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसमें उसमें विकास होता है। और सभी तरह से ये जो आन्वीक्ष की विद्या है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो वर्णन है उसमें कहते हैं कि प्रतिष्ठित है, मूल्यवान है और शाश्वत गतिशील विद्या है। अब अपने देश में जो आन्वीक्ष की विद्या है फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल वो सामान्य जनों को वास्तव में अपने सामान्य जनों को वास्तव में प्रियदर्शी राजा अशोक महान के शासन काल में ही प्राप्त हो सकी। अपने देश में जो आन्वीक्ष की विद्या है ये बात किसी से अब ढकी छिपी नहीं है, क्योंकि अभी हम जब एजुकेशन फिलोसफी जब पढ़ रहे थे तो हमें ये पूरी तरह से ज्ञात हुआ कि जो आन्वीक्ष की विद्या है जो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल है तो वो अगर वास्तव में जन सामान्य को प्राप्त थी तो वो प्रियदर्शी राजा अशोक महान के ही शासन काल में उपलब्ध हो सकी थी। अशोक महान का सर्वाधिक ध्यान अपने प्रजाजनों के लिए सोच विचार की विद्या अर्थात आन्वीक्ष की विद्या को उपलब्ध कराने पर ही था। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि अशोकादि ग्रेट एडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल इन एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज ट्रेनिंग सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस गवर्नेंस विच हैड बीन कॉज टू बी क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड द थिंकिंग पर्सनैलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पीपल एट लार्ज बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। और वो कहते हैं द पीरियड ऑफ गवर्नेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर वॉज ए पीरियड ऑफ फ्रीडम
ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, ये बात जो हमारे विद्वान नौ द्वारा लिखी गई है, तो ये थिंकिंग स्किल का महत्व इसी से हमको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि सम्राट अशोक के टाइम में इसकी कितनी महत्वता थी, कितना महत्व था, कितनी इंपॉर्टेंस थी। क्योंकि महान सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में न केवल इस पर बहुत एम्फेसाइज किया, जोर दिया हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने प्राइमरी स्तर से, प्राथमिक स्तर से ग्रेजुएशन तक जो पाठ्यक्रम था उसमें इसको आणविकी को कंपल्सरी शामिल किया हुआ था, जिसके कारण न केवल भारत के बल्कि विश्व के अनेक देशों के हजारों विद्यार्थी इसी आणविकी विद्या को, यानी थिंकिंग स्किल को ग्रहण करने के लिए भारत में आते थे। इस आधार पर हमारे देश का व्यापार भी बढ़ा, समृद्धि बढ़ी, खुशहाली आई, और इतना ही नहीं, भारत हमारा देश विश्व पटल पर विश्व गुरु कहलाया। इसका प्रमाण अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का जब आगे लास्ट में जब इसका कंक्लूजन होगा, तो ये अशोक महान के जो शिलालेख हैं, जो उनकी गुहालेख हैं, तो उनमें ये सारी चीजें जो अभी प्राप्त हुई हैं खनन उत्खनन में, तो हम ये देखते हैं कि अशोक महान द्वारा जो स्थापित शिलालेख है उसमें उन्होंने उद्धृत कराया है, उस पर शिलालेख पर ये अंकित है, वो लिखते हैं सम्राट अशोक के, जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं वह मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाले बनाकर ही ला सका हूं। ये एक वैसा प्रमाण नहीं है जो किसी ने लिख दिया हो, बल्कि उस वक्त का जो रॉक एडिक्ट है, तो कहा भी जाता है कि पत्थर की लकीर कभी खत्म नहीं होती, तो पत्थर की लकीरें जो हमें आज मिलती हैं हजारों सालों बाद, जो शिलालेख जो मिले हैं, जो बहुत पॉपुलर आज की तारीख में एक हिस्ट्री है शिलालेखों की, उस पर जो लिखा हुआ है कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूँ वह मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाले बनाकर ही ला सका हूँ, तो ये की शिक्षा। आवाज गई आपकी? जी सर। आनंद जी आवाज गई आपकी? सर आवाज आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू, आवाज आ रही है सर। यस अनम्यूट करें दीमन राजा रामानंद जी। आवाज आ रही है? अच्छा थैंक यू। तो अब इस शिलालेख से हम समझ सकते हैं कि सर अनम्यूट करें। हेलो। यस सर। हेलो आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। तो ये जो शिलालेख है जिसको मैंने अभी आपके सामने उद्धृत किया, तो उस पर स्वयं प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहते हैं कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं वह इस मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाले बनाकर ला सका हूं, मीन्स इस आणविक्ष की विद्या का ही प्रतिफल है कि आज जो भारत में समृद्धि है, आज जो भारत में प्रगति है, जो खुशहाली है, वो लोग चूंकि समझदार हुए, थिंकिंग पीपल बने, तो इसलिए ये सब कुछ संभव हुआ। तो इसका प्रमाण कोई ये जो शिलालेख है तो आज का सबसे मजबूत एक ऑथेंटिक प्रूफ है जो उत्खनन में हमको इस देश के अंदर जो सम्राट अशोक के शासन काल की जो प्रामाणिकता है, इस पर डिटेल में चर्चा जब हम आगे
reconstruction of society with reference to Ashoka the great empire, with reference to Ashoka the great regime. जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त ये डिटेल में इस पर चर्चा हो जाएगी. अब मैं लास्ट में मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें आणविक्ष की लाइट ऑफ ऑल साइंसेस फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल. ये लगभग वही जो बात मैंने ऊपर कही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो भाग एक में ही ये जो उनका जो क्या बोलते सूत्र है तो ये संस्कृत में, तो मैं पढ़ देता हूँ. हालांकि संस्कृत मेरे से आती तो नहीं है, लेकिन मैंने उसी में से कोट किया है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ. वो कहते हैं कि प्रदीप सर्व विद्यानामोपाय सर्व कर्माणाम आश्रय सर्व धर्माणाम शश्व दानवीक्ष की मता. ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सूत्र है जो उन्होंने अपना उसमें दिया है, और इसका अर्थ है द थिंकिंग स्किल फैकल्टी इज एवर लाइट. लाइट मीन्स थॉट या कैपेबिलिटी एज द लैंप ऑफ ऑल साइंसेस. यानी थिंकिंग स्किल फैकल्टी एज द लैंप ऑफ ऑल साइंसेस. लाइफ इज एवर लाइट. लाइट मीन्स थॉट या कैपेबिलिटी एज द लैंप ऑफ ऑल साइंसेस एज द मीन्स ऑफ ऑल एक्शंस सॉल्यूशंस रेमेडीज एंड एज द सपोर्ट ऑफ ऑल लॉज एंड ड्यूटीज. ये मतलब इसका मतलब अर्थ यही है कि ये जो आणविक्ष की है तो ये हमारे जो विचार हैं, जो हमारी सामर्थ है उसका ये लैंप यानी उसका ये लैंप है. एज द लैंप ऑफ ऑल साइंसेज सभी विद्याओं की से बड़ी विद्या है ये. एज द मीन्स ऑफ ऑल एक्शंस सॉल्यूशंस रेमेडीज और सभी कामों का ये मतलब एक तरीके से साधन है. एंड एज द सपोर्ट ऑफ ऑल लॉज एंड ड्यूटीज और सभी जो हमारा जो क्रियाकलाप है, जो धर्म कर्म है, तो उसका भी एक तरह से ये आणविक्ष की सपोर्ट है. ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो दिया हुआ है उसको मैंने आपके सामने उद्धृत किया है. और एक एग्जाम्पल भी हमारे उसमें जो थिंकिंग स्किल के ऊपर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे अच्छी लगी, इसे भी मैं आपके सामने उद्धृत कर देता हूँ. और वो है इफ आईक्यू इज द इनेट हॉर्स पावर ऑफ ए कार एंड नॉलेज इज द फ्यूअल देन थिंकिंग स्किल कैन बी इक्वेटेड विद ड्राइविंग स्किल. यानी आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वांटम. तो अगर आईक्यू हमारा मतलब ये जो हॉर्स पावर है किसी कार की जो स्वाभाविक हॉर्स पावर होती है, हर गाड़ी की कोई ना कोई हॉर्स पावर होती है, ऐसे ही आईक्यू अगर हॉर्स पावर है गाड़ी का कार का और नॉलेज इज द फ्यूअल और नॉलेज उसका जो योग्यता है वो उसकी फ्यूअल है, देन थिंकिंग स्किल कैन बी इक्वेटेड विद ड्राइविंग स्किल. तो ये थिंकिंग स्किल जो है इसको हम ड्राइविंग स्किल मान सकते हैं, इसकी तुलना हम ड्राइविंग स्किल से कर सकते हैं. मतलब इसका ये हुआ कि अगर कार की हॉर्स पावर भी ठीक है और कार में फ्यूअल भी है, लेकिन अगर थिंकिंग स्किल नहीं है तो कार फिर बेकार है, क्योंकि ड्राइविंग स्किल नहीं है आपके पास. मतलब ड्राइविंग स्किल ही कार को कारगर बना सकती है. ये कितना बड़ा
कोटेशन बहुत कम शब्दों में, कितनी बड़ी बात है ये दो ही एक ही सेंटेंस में आ जाती है कि ये थिंकिंग स्किल, यानी लाखों रुपए की कार जिसमें खूब हॉर्स पावर है, खूब फ्यूल भरा हुआ है, लेकिन अगर ड्राइविंग नहीं है तो फिर वो बेकार है। तो इसीलिए ये थिंकिंग स्किल इज इक्वल टू ड्राइविंग स्किल। वो कहते हैं कि ओनली ए स्किलफुल ड्राइवर कैन मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ ए कार्स पोटेंशियल, यानी केवल स्किलफुल ड्राइवर, केवल विचार प्रवीण जो ड्राइवर है वो ही उस कार का, उस कार की पोटेंशियल का बेहतर ज्यादा से ज्यादा यूज उसका प्रयोग कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। अगर स्किलफुल ड्राइवर होगा तभी उसका ऑप्टिमम यूज वो कर सकता है उसकी कार की पोटेंशियल की, कार की जो शक्ति है, ताकत है, जो उसकी उपयोगिता है। तो इसलिए ये बात थिंकिंग स्किल के ऊपर आज चूंकि शुरुआत है तो मैं भी थोड़ा सा हौच-पौच में रहा, क्योंकि मैं भी ये समझ रहा था, क्योंकि सभी विद्वान साथी इस ट्रेनिंग कैंप में हैं और सभी लोग जानकार हैं। ये अलग बात है कि हम में से बहुत सारे लोग रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि थक गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हम रिटायर्ड हैं लेकिन सभी टैलेंटेड हैं और सभी बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी हैं और सभी बहुत टैलेंटेड हैं। तो अगर जैसा हमारे कन्वीनर आदरणीय परम आदरणीय पीआर अंबेडकर साहब, अक्सर हम लोगों को जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप अपने जीवन के 5 साल अगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तय कर लें तो आपके 5 साल भी बहुत अच्छे गुजर जाएंगे और 5 साल और प्लस हो जाएगा, क्योंकि समाज के लिए काम करने वाले लोग कभी नहीं मरते। मैं तो ये कहूंगा कि कभी नहीं मरते, लेकिन उनका कहना यह है कि 5 साल तो उनकी तरफ से ये एक तरीके से तो अब हम कल से और ढंग से इस सारे थिंकिंग स्किल के विषय को, थिंकिंग स्किल के जो हमारा सब्जेक्ट है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 5 विषय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, 5 विषयों पर जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वैसे तो कोई विषय किसी से कमतर नहीं है, लेकिन जो थिंकिंग स्किल है और उसके बाद जो कॉपरेशन है, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम थिंकिंग स्किल को, अभी इसमें बहुत सारे थिंकिंग के टूल्स भी बताए जाएंगे, बहुत सारी और भी चीजें जो थिंकिंग से रिलेटेड हैं वो बताई जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा और डिस्टरबेंस के साथ साथ फिर भी ठीक, मतलब कभी मोबाइल की गड़बड़ रही इंटरनेट की, तो मुझे आप क्षमा करेंगे, लेकिन कल से मैं अपना इसके लिए चाक चबंद हो करके बैठूंगा और आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा किसी भी चीज से। तो मैं यही कहूंगा कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ हाउ लॉन्ग यू हैव रन। ये बाबा साहब ने कहा है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हाउ लॉन्ग यू हैव रन, इन विच डायरेक्शन यू हैव रन इज द मीनिंगफुल, इन विच डायरेक्शन यू हैव रन इज द मीनिंगफुल। तो ये बात हम लोगों को याद करते हुए कि हमें राइट डायरेक्शन में ही चलना है, खाली इधर उधर हम भागते रहे उसका कोई महत्व नहीं है कि हम कितने चले, सही कितने चले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अब अंत में अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, क्योंकि आजकल बहुत फियर कल्चर चल रहा है, भय का बहुत वातावरण है,
तो ऐसे में हम लोग अशोक महान के शासन काल को याद करते हुए और ये संकल्प दोहराते हुए कि अशोक महान का शासन आएगा और हम सबको भयमुक्त बनाएगा और इस ट्रेनिंग कैंप में अपना ये पॉपुलर स्लोगन के समझाने वाले को पहले समझना होगा। ये माननीय काशीराम साहब का माना है, काशीराम जी का स्लोगन है कि समझाने वाले को पहले खुद समझदार बनना होगा और समझाने वाले को पहले समझना होगा और उसके बाद फिर समझाना भी होगा। ये बात अपनी में रखता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, थैंक यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ओके।